दोस्तों हम आज आपको दिखाएंगे कि इंजन का आरपीएम कैसे सेट करते हैं, ट्रैक्टर के इंजन का आइडलिंग आरपीएम कैसे सेट करते हैं। आइए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कितना इसका आरपीएम है। दोस्तों इसका आरपीएम जा रहा है 8, 8.5 के करीब, 8.5। कंपनी 8.5 देती है आइडलिंग। अब इसको हमें सेट कैसे करना है, जैसे 8.5 जा रहा है तो हमको वैसे इसकी इंजन की आरपीएम ज़्यादा है, स्पीड जब ज़्यादा रहेगी तो तेल खाएगा, तो तेल खाएगा तो आदमी समझ नहीं पाएगा कि तेल क्यों खा रहा है। अब हम इसको कम कर देंगे, तेल की खपत कम हो जाएगी। देखिए ये 10 नंबर जो बोल्ट लगा है ये आपका स्पीड वाला बोल्ट होता है, ये बोल्ट जो दिख रहा है इसको हम खोलेंगे, 10 नंबर स्पैनर से इसको खोल लेंगे। उसके बाद में 1 लाख नेट लगा हुआ इसको भी खोलेंगे, इसको खोलेंगे। अब हम इसके आरपीएम इसको बाहर की तरफ खोलेंगे, इसका आरपीएम कम होगा। दिखा दीजिए दोस्तों, देख लीजिए आरपीएम कम हो गया है। हमको इसको इतना कम करना है कि जितने पे गाड़ी हमारी सही चले झटका न ले, उसी पे हमको रोक देना है, उसी पे एडजस्ट कर देना है। कुल मिला के जहाँ तक कि हो सके कि 5.5 पर हमको रोक देना चाहिए, 5.5 आरपीएम पर। उसके बाद इसको लॉक कर देना है, फिर ये बोल्ट को लगा देना है, कैप को। इस कैप को हम लगा देंगे, अब ये हमारा स्पीड बरकरार हो गया। अब इतने में ये गाड़ी हंटिंग भी नहीं लेगी, झटका भी नहीं लेगी, गाड़ी बढ़िया बरकरार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, और डीजल की भी खपत सही हो जाएगी, ज़्यादा नहीं खाएगी।